बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई है। उधर जामिया ने विवाद के चलते आज भी सभी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग की गई, फिर जेएनयू और जामिया में स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हुआ और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर डीयू प्रशासन ने पुलिस की मदद मांगी है। उधर जामिया मिलिया इस्लामिया में इस विवाद के चलते आज भी सभी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी खुली रहेगी। आपको बता दें कि 25 जनवरी को भी भारी हंगामे के चलते सभी क्लासेस को सस्पेंड किया गया था। बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीते दिनों हुए विवाद के बाद आज जामिया में तमाम जो क्लासेस हैं उसको बंद कर दिया गया और एहतियात के तौर पर देखिए हम आपको यहां तस्वीरें दिखाएं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो फोर्स भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, 24 घंटे के लिए यहाँ पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। अंदर कैंपस में भी जाने के लिए लगातार जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से जो भी अंदर जा रहा है उससे पहले पूछा जा रहा है, उसकी आईडी देखी जा रही है, उसके बाद ही उसे अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का ऐलान किया गया है। देखिए TV9 संवाददाता की ये रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी इस वक्त अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाहर है, कश्मीरी गेट स्थित इस यूनिवर्सिटी के बाहर। देखिए आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर होनी है। सीधे तौर पर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। हम लोग पिछले एक हफ्ते से ही स्क्रीनिंग प्लान कर रहे हैं, बट फिर हमने देखा कि जेएनयू और जामिया में स्क्रीनिंग का रिस्पॉन्स क्या था और वो देख के हम लोग अब प्रोटेस्ट कॉल भी दिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन मिली है? बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप्स दो हैं, आईसा और SFI, तो हम लोग ज्वाइंट कॉल दे रहे हैं SFI और आईसा का। आईसा ने प्रोटेस्ट कॉल दिया है और हम लोग स्क्रीनिंग करवाएंगे। सुबह से लाइटें ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, ठीक है। हम अब श्योर नहीं है कि 1 बजे हमको लाइट मिलेगी या नहीं, पर हम फिर भी स्क्रीनिंग करवाएंगे किसी ना किसी तरह। हम लोग इंडिविजुअली लैपटॉप से बैठ जाएंगे अगर इतनी दिक्कत है, पर हम लोग स्क्रीनिंग आज करवाएंगे। हर जगह इसको बैन तो नहीं मतलब हर जगह दिखाने से इसको रोका जा रहा है, तो ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में कि रोका जा रहा है? तो जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने निकल कर आ रहा है, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।